दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे और होली आप सब लोगों का अच्छे से बीता होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी एक नई ट्रेन जर्नी। और आज हम लोग आ चुके हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों का शहर वाराणसी। तो आप लोग तो जानते ही होंगे वाराणसी किस लिए फेमस है। वाराणसी अपने विद्या की नगरी और मंदिरों का शहर, घाटों का शहर के लिए काफ़ी फेमस है। तो आज एक नई ट्रेन जर्नी अपनी शुरू होने वाली है और चलते हैं। अपने पीछे देख सकते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं आपको वहां का क्या सीन होने वाला है। और ये रहा दोस्तों अपने वाराणसी रेलवे स्टेशन कैंट का रात का शानदार नज़ारा। तो आप देख सकते हैं कि रात में अपना वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन काफ़ी आकर्षक और शानदार लग रहा है। देखते रहिए और जर्नी को एंजॉय करते रहिए। और ये है अपने घाटों की नगरी वाराणसी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का रात का नज़ारा कितना आकर्षक और भव्य लग रहा है। और ये रहा अपना राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग, इसके लिए जय हिंद दोस्तों। और चलते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के अंदर। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं स्टेशन के अंदर और आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है उधना दानापुर एक्सप्रेस से, जो प्लेटफार्म नंबर 1 से चलती है। तो चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे और दिखाते हैं। जो तो जैसे ही आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा जन आहार भोजनालय। यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं और काफ़ी अच्छा और बढ़िया बनाया गया है। तो हमने तो घर से खाना लिया था इसलिए अब खाना नहीं खाएंगे। तो चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म पे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ लग गए हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है प्लेटफार्म नंबर 1 पे। जो अपनी ट्रेन है उतना दानापुर, वो प्लेटफार्म नंबर 1 से खुलने वाली है। सकते हैं दोस्तों एक चुकटी लाल जो अभी नया नया खोला गया, कितना बढ़िया और आकर्षक है। तो आइए इसका देख लेते हैं बाहर से ही, क्योंकि हमको ट्रेन पकड़ना है तो अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से देख लेते हैं इसका चार्ज कितना है और कितने घंटे तक इसमें रुक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ चार्ज है इसका ₹50 पर पर्सन पर हावर। और यहाँ पे आपको एक घंटे के लिए चाय कॉफ़ी बिस्कुट वाईफाई और वॉशरूम की सुविधा मिलेगी। उसके बाद आपको अगर रुकना है तो अलग चार्ज लगेगा, ठीक ना। इसमें आपको थाली भी मिल जाएगी, थाली अवेलेबल है। तो आपने देखा इसका सुविधा। और अगर आप भी कभी आते हैं वाराणसी कैंट से और आपके टाइम
आपके पास टाइम है और आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो एक घंटे के लिए आपको 50 रुपये मात्र देना होगा और यहाँ पे आप देख के सारी सुविधाएं पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लोकमान्य तिलक से चलकर बलिया तक जाने वाली होली स्पेशल ट्रेन जो इस समय बलिया से चलकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे वडोदरा सेट का V7 इंजन के साथ आ गई अपनी ट्रेन उधना दानापुर एक्सप्रेस। तो आज की जर्नी होने वाली अपनी उधना दानापुर एक्सप्रेस से जिसका ट्रेन नंबर है 20934 और ये रविवार और बुधवार को दानापुर से चलती है और उधना को जाती है। दानापुर जो पटना स्टेशन के पास का स्टेशन है और अगले दिन आपको सूरत स्टेशन के एक स्टेशन आगे उधना आपको पहुंचाती है। तो आज की जर्नी अपनी इसी से होने वाली है और टोटल 1543 किलोमीटर जर्नी तय करती है ये ट्रेन 28 घंटे 55 मिनट में। और एवरेज स्पीड की बात करें तो इसकी एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर हावर्स की होने वाली है और सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और इसको ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेल जोन इसको ऑपरेट करता है और अपनी ये उत्कृष्ट कोचों HLB कोच के साथ चलती है अपनी उधना दानापुर एक्सप्रेस। टल 18 हाल्ट को क्रॉस करने के बाद ये आपको पहुंचाती है उधना स्टेशन जो इसका लास्ट स्टेशन है गुजरात का सूरत शहर के स्टेशन उधना में छोड़ेगी आपको। तो दोस्तों आज की अपनी जर्नी है जो जनरल कोच में D1 में होने वाली है तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन में तो चलते हैं अपने D1 कोच के अंदर। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही भीड़ है इस ट्रेन में। देखते हैं अपनी सीट मिलती है या अभी नहीं मिलती है। अरे पहले सीट तो देखने दो तो आप देख सकते हैं TT सर्विस में आ गए हैं और सीट के लिए मारा। तो दोस्तों इसके टिकट फेयर की बात करें तो इसका सेकंड AC का चार्ज है 2545 रुपये और थर्ड AC की बात करें तो 1770 रुपये और स्लीपर क्लास की बात करें तो स्लीपर क्लास का टिकट है इसका 600
75 रुपये, और जनरल की बात करें तो जनरल इसका दानापुर से लेके उदना तक टोटल है 410 रुपये टिकट की बात। और चलते हैं, इसका डिपार्चर दिखाते हैं आपको। और आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी ने नल पूरा खोल दिया, पानी बाहर गिर रहा है। आज चला जा साहब, चला 20-64 स्टार्टिंग सिग्नल दे रहा हूँ, चला जा। तो दोस्तों, वाराणसी जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉप पे, ज्ञानपुर रोड पे। और ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ है यार। दानापुर से चली ट्रेन अपनी बनारस आते आते टोटल 25 मिनट लेट हो गई है, और 25 मिनट की देरी से अपना 9:25 से वाराणसी जंक्शन से डिपार्चर हो चुकी है। ज्ञानपुर रोड नेक्स्ट स्टॉप। बरौनी गोंदिया से चलकर जौनपुर बलिया छपरा जंक्शन के तो देख सकते हैं अपनी ट्रेन का क्या हाल हो गया है भाई। इतना भीड़ है कि अंदर जाने का मौका नहीं मिला। काफ़ी खचा खच भरा हुआ है। होली के बाद सभी लोग अपने शहर को वापसी कर रहे हैं काम धंधे के खोज में। टोटल दानापुर से 280 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं अपने पांचवें पड़ा ज्ञानपुर रोड पे। तो हम आप हमारे पीछे देख सकते हैं ज्ञानपुर रोड पे कितना ज़्यादा ट्रेन में भीड़ है, मारामारी मची हुई है। टोटल 2 मिनट का हाल्ट है। और प्लेटफार्म की बात करें तो टोटल 2 प्लेटफार्म का स्टेशन है। तो इसके बाद ये ट्रेन खुलेगी, सीधा इलाहाबाद रुकेगी। तो मिलते हैं सीधा आपसे इलाहाबाद में। अरे चलना है भाई, जिसको अंदर आ जाओ, जिसको दिक्कत है वो रिजर्वेशन में चढ़ सकते हैं भाई। बढ़ाओ बढ़ाओ आगे। लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने छठे पड़ाव इलाहाबाद जंक्शन पे आ चुके हैं। तो इलाहाबाद का स्टेशन कोड हुआ, सॉरी इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद
नहीं प्रयागराज जंक्शन का स्टेशन कोड हुआ PRYJ और इसका लोको रिवर्सल होता है, इसलिए इस ट्रेन का स्टॉपेज प्रयागराज में 25 मिनट है। 25 मिनट के बाद इस ट्रेन को 12:35 पर लगभग इस ट्रेन को यहाँ से रवाना होना है। टोटल 10 स्टेशन का प्लेटफार्म है और बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लगभग आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो उतना दानापुर ट्रेन हमको ला के छोड़ी है इलाहाबाद के प्लेटफार्म नंबर 8 पे। तो चलते हैं, देखते हैं इसका डिपार्चर। तो समय से लगभग 10 मिनट के देरी से अपने ट्रेन का डिपार्चर इलाहाबाद से हो गया है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज मानिकपुर जंक्शन पे। आप देख सकते हैं अपने बाथरूम का नजारा, बेसिन उतना साफ नहीं है, पानी है और मिरर भी ठीक ठाक है। बेसिन का हालत देख सकते हैं, एकदम इसको गंदा कर रखता है। पानी तो सही है, बाकी सब ठीक ठाक ही है। गाड़ी नंबर 2094 17। तो दोस्तों दानापुर से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने साथे पड़ा मानिकपुर जंक्शन पे आ चुके हैं। मानिकपुर 4 प्लेटफार्म का छोटा सा स्टेशन है जो मुंबई प्रयागराज मेन लाइन पे पड़ता है और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से ट्रेनें चित्रकूट बांदा झांसी और एक लाइन प्रयागराज की तरफ और एक लाइन जो अपने उधना सूरत की तरफ जा रहा है उस तरफ जाएगा, तो इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। और 2 मिनट का हाल्ट है, 2 मिनट के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर होगा यहाँ से। उसके बाद सीधे आपसे मिलते हैं सतना जंक्शन पे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ख़राबी आ गई है ट्रेन में जिसकी जाँच चल रही है। नीचे जाके करना पड़ेगा। हाँ जल्दी जल्दी आके कर।
दोस्तों मानिकपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और आपने देखा किस तरह ट्रेन में ख़राबी आ गई थी, उसकी वजह से रनिंग स्टाफ काफ़ी देर परेशान रहा और जिसकी वजह से ट्रेन थोड़ा लेट हुई। दानापुर से चलकर कटनी जबलपुर पिपरिया के रास्ते उतना जंक्शन जाने वाली। तो दोस्तों रात के 4 बजने को है और हम आ चुके हैं अपने 8वें पड़ाव सतना जंक्शन पे, जो कि दानापुर से 520 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम सतना जंक्शन पहुंच चुके हैं। सतना तो जानते हैं दोस्तों, सीमेंट का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ सीमेंट की तमाम फैक्ट्रियाँ हैं। तो सतना जंक्शन कोड हुआ STA और हम यहीं पे अपनी इस जर्नी का एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जर्नी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे एक फिर अगले नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।